चोमू सीएससी में दूरबीन सर्जरी ऑपरेशन शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का विधायक रामलाल शर्मा ने शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि चोमू सीएससी में सर्जरी सुविधा बंद पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल में उपयुक्त चिकित्सकों की नियुक्ति करवाकर सर्जरी की सुविधा शुरू करवाई है, जिसका आमजन को फायदा मिलेगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बजरंगलाल सोनी, गोविंदगढ़ ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर एस के चोपड़ा, सीएससी के चिकित्सक डॉक्टर दिनेश पारिक समेत कई चिकित्सक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिविर के दौरान 27 से 28 सितंबर को रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और चिन्हित मरीजों का डॉक्टर प्रदीप बारी और उनके सहयोगी चिकित्सकों की टीम के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। के अंदर सर्जरी का काम शुरू हो रहा है। डॉक्टर प्रदीप यादव ने सर्जरी का एक कैंप शुरू किया है और इस कैंप के अंदर दो दिन आज और कल पंजीयन का काम होगा और दो दिन बाद के अंदर सर्जरी की काम शुरू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि गोविंदगढ़ के बाद में चोमू की सीएससी के अंदर सर्जरी का काम शुरू होना यहाँ की जनता को एक लाभ मिलेगा और आने वाले समय के अंदर चोमू सीएससी के अंदर और बेहतरीन हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हम काम करें।